वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे जो हमने कल लेसन स्टार्ट किया था आइडेंटिटी, उसी के ऊपर बेस है एक्सरसाइज 30.2। ओके, अगर आपने कल का वीडियो मिस किया है, मतलब जो एक्सरसाइज 30.1 है उसको अगर आपने मिस किया है, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है। अगर आपका आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड 8 का लेसन अच्छा हुआ है तो आप इन एग्जाम्पल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, थोड़े बहुत ट्रिक्स हमें यूज करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले एक बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, तो स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 2x+3(3)³+64। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसके ये चार ऑप्शन में से कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो दिया गया एक्सप्रेशन हम पहले लिख लेते हैं, 2x+3(3)³+64। अब इसको देखते ही आप क्या करोगे, पहले इसका क्यूब फाइंड करोगे। इसका जब आप क्यूब फाइंड करोगे तो 8x³ आ जाएगा। एक्सपांड करते समय फर्स्ट टर्म का 8x³ आएगा, ऑप्शन में 8x³ कहीं भी आपको दिखता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 64 को क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। सो विल राइट हियर 2x+3(3)³+4³। अब ये एक्सप्रेशन कौन से फॉर्मूले की तरह हो गया, a³+b³(a+b)(a²-ab+b²। इस तरह से ये अभी फॉर्मूला बन गया है। ओके, अब इसमें ए क्यूब ये हो गया ए टर्म, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये और बी के फॉर्म में इस तरह से इसको फिट करते हैं। सो इक्वल टू, सबसे पहले ए प्लस बी, ये इसमें से कौन है, 2x+3 ये है प्लस बी है 4। ओके, इन अदर ब्रैकेट हमें ए स्क्वेयर करना है, ये यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, इसलिए अब मैं इसको थोड़ा स्क्वेयर ब्रैकेट लेता हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारी 2x+3(3)² का स्क्वेयर कर दिया, माइनस ए बी यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारे 2x+3, इसको ब्रैकेट करेंगे, इंटू सेकेंड टर्म किया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू, सो 2x+ यहाँ पे 3+4 हो गया 7 इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें हम a+b ब्रैकेट का स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो a+b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू होता है a²+2ab+b²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यू विल गेट, ये होगी फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x². ओके, प्लस 2ab यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 इंटू एक्स यानी 12x हो गया, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9। अब आप क्या करो, ये 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। सो यू विल गेट, यहाँ पे माइनस एज इट इज लिखते हैं, 4 × 2 = 8x+12+ लिखेंगे यहाँ 16, व्हाट इट, दैट इज इक्वल टू 2x+7 ब्रैकेट, यहाँ पे आप ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और साथ में प्लस 9 और 16 को हम ऐड कर देंगे। सो 4x² + 12x, 9 और 16 हो गया 25 यानी प्लस 25 माइनस 8x - 12, व्हाट इट। अब जो लाइक टर्म्स है उनकी हम एडिशन करेंगे, सो यू विल गेट हियर 2x+7 इन स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया तो चलेगा, 4x², अब देखो प्लस 12x - 8x, इसका आंसर आ गया प्लस 4x और 25 में से 12 को माइनस करो, सो यू विल गेट प्लस 13। सो दिस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो विच ऑप्शन, 2x+7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और 4x² + 4x 13+ यहाँ है लेकिन यहाँ माइनस है, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2।
वन प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन वन प्लस ए, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ये क्वेश्चन हटा दिया था मैं, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इक्वल टू लिखूंगा। अब यहाँ पे आप देखो कि किसको कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर में, तो ये बी और ये ए बी, इसमें से बी कॉमन निकलेगा। सो यू विल गेट हियर, एक ब्रैकेट में वन प्लस ए को अलग कर लेते हैं, वन प्लस ए प्लस बी कॉमन निकालो, और यहाँ पे देखो बी निकल गया तो वन रहेगा, प्लस यहाँ रहेगा ये, अपॉन हो गया वन प्लस ए इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से वन प्लस ए को कॉमन निकालते हैं, सो यू विल गेट हियर वन प्लस ए कॉमन निकला, यहाँ से वन प्लस ए निकलने के बाद यहाँ पे सिर्फ वन रहेगा, सो वन प्लस ये तो गया, फिर ये लिखेंगे बी अपॉन वन प्लस ए। अब देखो वन प्लस ए गेट कैंसर, रिमेन वन प्लस बी, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट शुड बी एडेड टू 9x² - 30x टू मेक अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो परफेक्ट स्क्वेयर होने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है वो हमें पूछा है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये 3x ब्रैकेट का स्क्वेयर है माइनस, अब ये हो जाएगी मिडल टर्म और हमें लास्ट टर्म को फाइंड करना है। अब लास्ट टर्म जो है वो हमें मिडल टर्म से कैसे मिलती है देखो, तो मिडल टर्म क्या होती है 2 × फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारी 3x × हम करते हैं सेकंड टर्म, ठीक है, और प्लस लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर 30 आना चाहिए, तो 2 × 3 = 6 हो गया, तो 6 × कितना करो तो 30 होता है, तो होता है 5, इट मीन्स यहाँ पे रहेगा 5, यानी ये हो जाएगी सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का यहाँ पे आता है स्क्वेयर, यानी 5 का स्क्वेयर होता है, सो यू विल गेट हियर, और 5 का स्क्वेयर अगर करोगे सो यू विल गेट 35, सो 3x ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 2 × 5 × 3x प्लस 25 हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वेर आस्क, यानी इसमें हमें 25 को एड करना है, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम अगर आप इसका स्क्वेयर करोगे फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर इसका स्क्वेयर, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आपको इस दिए गए एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया सो यू विल गेट इट्स आंसर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर, फिर इन दोनों की एडिशन करके उसका स्क्वेयर हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हमने ये लिया ए और इसको लिया हमने बी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ये स्क्वेयर के फॉर्म में हमें मिल गए, लेकिन हमें मिडिल टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखना है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म तो यहाँ पे एज इट इज दी है, लेकिन जो ये है फर्स्ट टर्म उसको हमें लिखना है ट्वाइस के फॉर्म में, तो 7.4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.8 आता है, यानी इसको हमें स्प्लिट करना है, सो यू विल गेट हियर 7.4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करो 2 × 7.4, देखो 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, देखो इस फॉर्मेट में ये आ गया है, प्लस 2.6 ब्रैकेट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म। तो हमें इस फॉर्मेट में अब इसको लिखना है, तो फर्स्ट टर्म है 7.4 प्लस सेकंड टर्म है 2.6 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको ऐड करो, 6 + 4 = 0 कैरी 1, 7 + 2 = 9 or 1 = 10 डेसिमल पॉइंट यहाँ दिया तो यह आ गया 10 का स्क्वायर एंड दैट इज 100, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4x² प्लस बी माइनस 1 इन ब्रैकेट xy प्लस 9y² इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये जो एक्सप्रेशन है 4x² प्लस ब्रैकेट में बी माइनस 1 xy प्लस 9y², ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कौन से फॉर्मेट में है पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और इसका आंसर आपको पता है ये आता है ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर ये है, तो हमें ये टर्म हमें पहले फाइंड करनी होगी।
तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिए हैं, आप देखो कि फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, जो फर्स्ट टर्म है 2x का स्क्वायर है, ओके प्लस तो बी माइनस वन हम जैसे के वैसे लिखेंगे एक्स वाई, प्लस सेकंड टर्म है 3y का स्क्वायर। अब आप देखो जो मिडल, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जो मिडल टर्म है वो 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होनी चाहिए। अगर आप 2 फर्स्ट टर्म करते हो, फर्स्ट टर्म 2x है, इंटू सेकंड टर्म करते हो, सेकंड टर्म 3y है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करो 2 to the 4, 4 to the 12, तो आता है 12xy। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे xy है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है b माइनस वन, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 12, ओके। देयरफॉर वी कैन राइट b माइनस वन इज इक्वल टू 12 होनी चाहिए, व्हाट इट, सो b इज इक्वल टू 12 प्लस वन इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे b की वैल्यू 13 होनी चाहिए। अब पुट अप करके देखो, b की वैल्यू अगर 13 की डाली तो 13 माइनस वन हो जाता है 12, तो ये हो गया 12xy मिडल टर्म, आगे 12xy, तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और हमें इसके फैक्टर्स पूछे कि इनमें से कौन से। तो फैक्टर्स फाइंड करते समय आपको क्या करना है कि जो लास्ट टर्म है माइनस 6, इसके इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन माइनस 5 आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, माइनस 6 के सबसे पहले फैक्टर होते हैं, मतलब पहले 6 का होता है 2, 3 जा 6, जब एक निगेटिव साइन है यहाँ पे, मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर निगेटिव रहेगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे कि मिडल नंबर को माइनस साइन है या नहीं, मिडल नंबर को अगर माइनस साइन होता है, यहाँ दोनों को माइनस साइन आएगा, ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएगा -2 और -3, क्योंकि -2 प्लस -3 हो जाता है -5, लेकिन इनकी मल्टीप्लीकेशन -6 आती नहीं, तो ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे। तो दूसरे लेते हैं, 6 के फैक्टर्स है और 6 1 जा 6, ये भी एक फैक्टर है। अब इसमें क्या करो, आपकी मिडल नंबर अगर निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव साइन दे दो, तो -6 प्लस 1 हो जाता है -5, सो वी विल राइट इज एक्स स्क्वेयर माइनस, अब इनको x लगा दो, यानी -6x और +1x, सो यू विल गेट हियर -6x + 1x - 6, ओके। तो आप क्या करो कि इसको और इसको क्लोज लिख लेते हैं, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6x - 6, ओके। अब इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, सो यू विल गेट हियर, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, यही भी करते हैं, इन दोनों से x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में रहेगा x - 6, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक बचा, यहाँ से एक्स गया तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पे प्लस कॉमन निकाला तो हम यहाँ पे x - 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 1 को कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से 1 को हमने कॉमन निकाला, 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 है, ये 1 कॉमन निकाल दिया। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन निकालते हैं, सो यू विल गेट x - 6 और x + 1, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ विच बाइनोमियल इज द एक्सप्रेशन, ये जो है इसका इनमें से कौन सा एक्सपेंशन है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि इस ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो मिडल टर्म निगेटिव है, तो इसका आंसर ये रहेगा फर्स्ट, चेक करते हैं, ये जो है x² + 1/x² - 2, अब इनमें से ये हो गई फर्स्ट टर्म, यानी ये हो गया ये, और ये रहेंगी सेकंड टर्म, क्योंकि सेकंड टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर होती है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x² - 2 + 1/x². अब ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, अब जो मिडल टर्म है वो ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो x² का स्क्वायर रूट है x और 1/x² इसका स्क्वायर रूट है 1/x, तो जो मिडल टर्म है वो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट, इसका आंसर होनी चाहिए। तो x x कैंसिल होता है, देखो मिडल नंबर 2 आ गया, यानी ये किसका स्क्वायर है,
इसका स्क्वेयर रूट x लिया, माइनस साइन लिया क्योंकि मिडिल टर्म का साइन निगेटिव है, और इसका स्क्वेयर रूट लिया 1/x। अगर आप इसको स्क्वेयर करोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है जिसे 6.5 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 9 × 6.5 प्लस 4.5 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू n स्क्वेयर हमें यहाँ पे दिया है इक्वेशन, और यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें LHS का आंसर मिल गया तो हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे दोनों साइड का, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएंगी। अब आप देखो कि ये जो किस फॉर्मेट में है, ये है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्मेट में, और इसका आंसर आता है ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वेयर। ओके, तो पहले तो हमें ये इस फॉर्मेट में किस तरह से है उसको देखना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म देखो 6.5 है और सेकंड टर्म 4.5 है, ठीक है। तो जो मिडल टर्म है वो 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म इस फॉर्मेट में हमें है या नहीं उसको चेक करना है। अब मिडल टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज यहाँ पे आई है, सिर्फ हमें 9 को सेकंड टर्म के फॉर्म में लिखना है। तो 9 क्या होता है, 2 × अगर आप 4.5 करोगे सो यू विल गेट 9। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6.5 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 9 को लिखना है हमें 2 × 4.5 के फॉर्म में, क्योंकि 4.5 इज सेकंड टर्म, इन दोनों का आंसर 9 होता है, मल्टीप्लाइड बाय हमने किया 6.5 प्लस 4.5 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू n स्क्वेयर। अब देखो ये इस तरह के फॉर्मेट में आ गया है। सो वी विल टेक इट्स फर्स्ट 6.5 फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म है 4.5 ब्रैकेट का स्क्वेयर, इस फॉर्मेट में है ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास है n स्क्वेयर। अब देखो स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल और इसकी सब्ट्रैक्शन करो, सो 5 − 5 = 0, 6 − 4 = 2 यानी 2.0, सो 2.0 इज इक्वल टू n, देयरफॉर वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2.0 लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ इसको 2 लिख सकते हैं। सो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे 2.0 दिया है, तो 2.0 हमारा आ गया है। ओके, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।